चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से ही। पूर्व सीएम कमलनाथ का बदनावर का दौरा है आज। बदनावर विधानसभा के नागाझिरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर मंडलम के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। तो जहां एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, साथ ही कई नेता बीजेपी के बड़े नेता दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। कमलनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं आजकल। कमलनाथ का आज का बदनावर का दौरा है। बदनावर विधानसभा के नागाझिरी में जनसभा करेंगे। सेक्टर मंडलम के पदाधिकारियों से भी संवाद करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ का बदनावर का दौरा है आज। बदनावर विधानसभा के नागाझिरी में जनसभा करेंगे। सेक्टर मंडलम के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। तो लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। लगातार दौरे किए जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और आज भी पूर्व सीएम कमलनाथ का बदनावर का दौरा है। और इसी खबर पर सतत जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, पूर्व सीएम कमलनाथ का बदनावर का दौरा है आज। बदनावर विधानसभा के नागाझिरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिम्मेदारी है कि वो कैसे उपचुनाव जो दौरों की बात की जाए तो कमलनाथ 11:30 बजे धार जिले की जिसे कोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है वहां पर पहुंचेंगे। सेक्टर मंडलम बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ संवाद करेंगे और इस बार एक कार्यकर्ता का सम्मेलन भी आयोजित किया गया है बदनावर के नागाझिरी में। उस सम्मेलन में शामिल होंगे, उसके बाद जनसभा का आयोजन किया गया है क्योंकि जो उपचुनाव को लेकर जो सियासी पारा है वो उफान पर पहुंच चुका है और बेहद महत्वपूर्ण है कि आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ तो किस तरह की बातें करते हैं और बातों के साथ भी बेहद महत्वपूर्ण है किस तरह के बयान देते हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महिला सम्मान का नारी सम्मान का मुद्दा उठाया था वो लगातार बीजेपी के नेता मौन उपवास पर भी बैठे थे और कल हालांकि कमलनाथ ने खेद जरूर व्यक्त किया है कि अगर मेरी बात से किसी को दुख हुआ हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन खेद व्यक्त करने के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ती है, कमलनाथ किन मुद्दों पर आज बात करेंगे। हालांकि हम लगातार सुन रहे हैं कि कमलनाथ जिन भी सभाओं में जाते हैं वह कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलने की राजनीति करती है, ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है। मैंने मध्य प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया, सिद्ध के प्रति युद्ध अभियान शुरू किया और यही कारण था कि बीजेपी के नेता डरने लगे थे और उन्होंने मेरी सरकार गिरा दी, लेकिन अब जनता मेरा साथ दे और मेरा साथ देगी तो मैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बना पाऊंगा। वहीं कांग्रेस के संगठन की बात की जाए बड़े नेता जिनको चुनाव प्रचार के लिए आना चाहिए वो कहीं ना कहीं अलग थलग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी वैभव जी, जिस तरीके से आपने बताया और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिस तरीके का बयान दिया था इमरती देवी के खिलाफ, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लगातार हालांकि दौरे कर रहे हैं, मोर्चा भी उन्होंने खुद ने संभाला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो कहां दिखाई देती है कांग्रेस स्थिति, फिलहाल वर्तमान की स्थिति को देखा जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से कांग्रेस के कई नेताओं के बयान निकलकर सामने आए, कई विवादित बयान, और उसके बाद फिर पूर्व सीएम कमलनाथ का खुद इमरती देवी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं कमलनाथ और कांग्रेस मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं जा रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन से इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है, जो सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगी गई है कि सभा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा किस तरह की बातें की गई थी और जो आइटम शब्द का उपयोग किया गया था वो किसके संदर्भ में किया गया था। तो हालांकि ये डेवलपमेंट देर रात का है, अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन से जो रिपोर्ट मांगी गई है वो किस तरह की रिपोर्ट
रिपोर्ट तैयार करके देता है, उसके बाद चुनाव आयोग किस तरह का एक्शन कमलनाथ के खिलाफ लेता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जरूर तेजी इसमें शिकायत भी की गई, ट्वीट करके जानकारी भी मांगी गई थी। और उसके साथ ही जो अन्य महिला संगठन है, हमने देखा कि कल बीजेपी के जो संगठन होते हैं उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला भी फूंका गया और कमलनाथ पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि कमलनाथ की पार्टी के नेता भी अपनी पार्टी के नेताओं जो नेतियां होती हैं उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। कल जो पोस्टर लगा हुआ था, जो कार्यक्रम स्थल था मौन उपवास के लिए बीजेपी के द्वारा जो बनाया गया था, वहां पर मीनाक्षी नटराजन जो कि राहुल गांधी की बेहद खास मानी जाती थी, उस वहां पर पोस्टर के नीचे लिखा हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा मीनाक्षी नटराजन को एक वक्त टंच माल कहा गया था। उसके साथ ही अन्य भी पोस्टर लगाए गए थे जिसमें हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और जो अन्य जो नेता है कि जिस तरह से हम बात कर सकते हैं साध्वी प्रज्ञा की बात की जाए और निर्मला सीतारमण जो हैं उनके बारे में बात की जाए, तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने इन सभी नेताओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणियां की हैं इसका जिक्र भी पोस्टरों के माध्यम से बीजेपी नेताओं के द्वारा किया गया था। तो अब बेहद महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ इस मामले में कैसे आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव आयोग के द्वारा रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई जाएगी तो दिल्ली चुनाव आयोग है जो केंद्रीय चुनाव आयोग, क्या एक्शन लेता है कमलनाथ के खिलाफ, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राहुल जी, और कमलनाथ का आज जो बदनावर विधानसभा सीट पर दौरा है, बदनावर विधानसभा सीट की बात की जाए, कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए, तो किस तरह की स्थिति कांग्रेस की वहां पर दिखाई देती है? पूनम, अब तक का जिस तरह से हमने भी जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की, ग्राउंड पर भी गए, कई विधानसभा के दौरे मैंने भी किए हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, इसके अलावा हमारे जो विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं, और जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक अभी चुनाव बड़ा साइलेंट मोड पर जा रहा है। मतदाता के मन में क्या है इसके बारे में जानना की बहुत कोशिश की गई है हमारे द्वारा कि मतदाता फिर चाहता क्या है, इस बार उसका वोट देने का पैमाना क्या होगा, लेकिन मतदाता अपने मन को शांत करके बैठा है, वो कुछ भी नहीं बताना चाहता है। हालांकि जब परिणाम आएंगे तो स्थिति बिल्कुल तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां हैं पूनम, वो कांग्रेस से कहीं बेहतर नजर आ रही हैं। बीजेपी का जो संगठन की बात की जाए, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जहां संगठन का मोर्चा संभाले हुए, वह सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, वहीं एक तरीके से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इस बात को कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी तो उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, तो बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुसीबतें हैं वो बीजेपी के लिए ही बढ़ रही, वो माफ कीजिए कांग्रेस के लिए ही बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से संगठन और सरकार तीनों लगातार काम कर रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता लगातार को संबोधित करके बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की हर दिन कोशिश भी कर रहे हैं। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, कमलनाथ का आज बदनावर विधानसभा सीट का दौरा है और लगातार कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं और आज भी बदनावर विधानसभा सीट पर वो दौरा करेंगे, जनसभा को संबोधित